तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप टाइमर को ऐड कर सकते हो अपनी हैंड सैनिटाइजर मशीन में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कौन सा टाइमर सिलेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए, और पूरी वायरिंग के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि हमें कैसे टाइमर बेस्ड हैंड सैनिटाइजर मशीन को बना सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि मशीन कैसे काम करती है टाइमर के साथ। तो ये रही मेरी टाइमर बेस्ड हैंड सैनिटाइजर मशीन। तो जैसे ही मैं इसके नीचे हाथ रखता हूँ, वो एक फिक्स टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। वो ऐसा इसलिए, इसमें मैंने टाइमर को यूज़ किया है, और इस वीडियो में मैं आपको टाइमर की वायरिंग और उसको कैसे सेट करना है वो एक्सप्लेन करूँगा। आप देख सकते हैं, मैं जब एक बार हाथ लाता हूँ तो एक फिक्स टाइम के बाद ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाती है और स्प्रे निकलना बंद हो जाता है। मैं आपको इसका कंसेप्ट भी बताऊँगा कि मैंने कौन सा टाइमर यूज़ किया है, और फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि हमें कौन सा टाइमर सिलेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए। हम लोग ये बात जानते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग तरह के टाइमर होते हैं, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, सिग्नल ऑन ऑफ डिले टाइमर, साइक्लिक टाइमर और इंटरवल टाइमर। अलग अलग तरह के टाइमर होते हैं और हमें डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन टाइमर को सिलेक्ट करना होता है। मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस एप्लीकेशन के लिए हमें कौन सा टाइमर सिलेक्ट करना है, और कंसेप्चुअली भी समझाऊंगा कि ये टाइमर मैंने आखिर क्यों सिलेक्ट किया। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो लोग माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग करेंगे, क्योंकि उनको भी एप्लीकेशन एक्चुअल में समझ आएगी कि उनको कौन सा टाइमर यूज करना है, और उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है पर ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर मशीन में जो टाइमर यूज करेंगे वो यूज करेंगे इंटरवल टाइमर, और जो इंटरवल टाइमर की डेफिनेशन है वो ये कहती है, When the power is supplied on, the output stays on for that particular preset time. अब मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि जब तक मेरे हाथ रहेंगे सेंसर के सामने, मेरा सेंसर आउटपुट देगा और वो क्या करेगा, जो टाइम मैंने सेट किया हुआ है उतनी देर तक ही मोटर चलाएगा। तो जैसे कि मैं हाथ रखे मैंने सेंसर के आगे, तो मोटर स्टार्ट होती है। मान लो मैंने 4 सेकंड का टाइम सेट किया हुआ है, तो जैसे मैंने हाथ रखा मोटर चलती है 4 सेकंड के लिए, फिर ऑटोमेटिकली खुद कट हो जाती है, और जैसे मैं दोबारा हाथ लगाता हूँ तो फिर से मोटर 4 सेकंड के लिए टाइम के लिए चलती है। अगर मैं 4 सेकंड से ज्यादा हाथ रखूं वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। अगर मान लो मैं बीच में हाथ हटा लूं तो फिर भी मोटर 4 सेकंड के लिए चलती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हैंड सैनिटाइजर मशीन में आप कम से कम मिनिमम 2 सेकंड का टाइम रखो, जिससे वेस्टेज भी ना होए सैनिटाइजर लिक्विड का। जो टाइमर मैंने यूज किया है वो एक्चुअल में एक मल्टीफंक्शन टाइमर है। मल्टीफंक्शन टाइमर में क्या होता है, इसमें काफी सारे टाइमर इनबिल्ट होते हैं, और मैं पर्टिकुलर एक फंक्शन यूज करूंगा टाइमर का जो एक्चुअल में इंटरवल टाइमर है। मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया है कि मैं इंटरवल टाइमर क्यों यूज करूंगा, और आपको वायरिंग के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे चीजें कनेक्ट करनी है और पूरा सिस्टम को हमें ऑटोमेट करना है। हमें ये तो पता लग गया कि हमें इंटरवल टाइमर यूज करना है, पर कुछ कुछ ना इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये टाइमर काम करता है 24 वोल्ट डीसी पे, तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इसको 24 वोल्ट डीसी दे, तो हमें एक ऐसा सेंसर भी चाहिए जो 24 वोल्ट डीसी पे काम करे। ये टाइमर 220 वोल्ट एसी पे भी काम करता है, तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो 220 वोल्ट एसी पे काम करे। दोनों पे काम करता है, एसी पे भी काम करता है और डीसी पे भी काम करता है। तो डिपेंड करता है हम इनपुट में क्या सिलेक्ट करते हैं। इनपुट में जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो एक फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर होता है। फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर 10 से लेके 35 वोल्ट डीसी पे काम करता है। तो आप 24 वोल्ट डीसी दोगे वो भी चलेगा। अगर आपको 220 वोल्ट एसी का अप्लायंस यूज करना है इसके इनपुट साइड पे, तो आपको एक ऐसा सेंसर चाहिए जो आउटपुट में 220 वोल्ट एसी दे, और उसके थ्रू आप टाइमर को चला सको। याद रखना, ये टाइमर 12 वोल्ट डीसी पे काम नहीं करेगा। हमें अपने एप्लीकेशन में ये कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है और फिर कनेक्शंस करनी है। हमें कंसेप्चुअली पहले समझ आना चाहिए कि हमने एप्लीकेशन क्या है हमारी, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली टाइमर को सिलेक्ट करके बस हमें वायरिंग करनी है। और अब मैं आपको वायरिंग करके दिखा देता हूँ, और साथ में एंड में उसका सर्किट डायग्राम भी दूंगा कि जिससे आपको पूरा क्लियर हो सके कि सिस्टम को मैंने कैसे बनाया। तो ये रहा मेरा इंटरवल टाइमर, और इस इंटरवल टाइमर में एक इनबिल्ट रिले है जो 8 एम्पेयर की रिले है।
इसमें A1 है पॉजिटिव और A2 है नेगेटिव और सेंसर के साथ कनेक्ट करना है। ये मेरा अडैप्टर 24 वोल्ट DC का आप देख सकते हैं, और ये इसके साथ में लगा हुआ है मेरा टाइमर, जो टाइमर हम इंटरवल टाइमर यूज़ करेंगे। ये मोटर लगी हुई है मेरे यहाँ पे, और यहाँ पे एक सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है। ये क्या करेगा, मोटर क्या करेगी, लिक्विड को पंप करेगी और सैनिटेशन लिक्विड को नोजल के थ्रू बाहर फेंकेगी। तो ये टाइमर है मेरा। इस पावर सप्लाई में दो वायर हैं जिसमें हल्का सा वाइट हुआ हुआ है, वो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव सप्लाई है, और जो कम्प्लीटली ब्लैक वायर है वो अडैप्टर की नेगेटिव सप्लाई है। तो मैं A2 पे नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे हमें पता था टाइमर में A1 पॉजिटिव है और A2 नेगेटिव है, और A1 साइड पे मैं पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर देता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और कनेक्शन साथ साथ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कनेक्शन कम्प्लीट हो गए A1 और A2 के। मैंने एक फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर लिया हुआ है जिसमें 3 वायर है, ब्राउन ब्लू ब्लैक। ये एक PNP टाइप सेंसर है। तो PNP टाइप सेंसर में हमें ये पता है कि जो ब्लैक वायर पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी, और ब्राउन ब्लू हो गई हमारे सेंसर की सप्लाई पॉइंट्स। अब हमें बस इसे कनेक्ट करना है टाइमर और पावर सप्लाई के साथ, फिर हमारे सेंसर और टाइमर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। मैं ब्राउन वायर को A1 पे ही लगा देता हूँ, जहाँ पे मेरा अडैप्टर का पॉजिटिव कनेक्टेड था ऑलरेडी। देख सकते हैं मैंने कनेक्शन वहाँ पे कंप्लीट किए, और जो ब्लैक वायर है जो सेंसर की आउटपुट है उसको मैं B1 पे कनेक्ट कर देता हूँ, जो टाइमर का इनपुट पॉइंट है। जो ब्लू वायर है सेंसर का नेगेटिव, उसको नेगेटिव से कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं मैंने A1 और B1 पे कनेक्शन मेरे हो गए हैं कंप्लीट, और जो ब्लू वायर है उसको कनेक्ट करने के लिए मैं एक कनेक्टर का यूज़ करूँगा, और कनेक्टर यूज़ करके मैं उसको A2 पे जाके कनेक्ट कर दूँगा। तो ब्लू वायर को भी सप्लाई मिल गई नेगेटिव, मेरे सेंसर टाइमर और अडैप्टर के कनेक्शन हो गए कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ, मोटर का जो पॉजिटिव है और सोलेनॉइड वाल्व का जो पॉजिटिव है, दोनों की रेड वायर है, दोनों को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को दोनों को पॉजिटिव सप्लाई देनी है। और क्या करता हूँ मैं उसको जाके 18 नंबर पिन से जाके कनेक्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, दोनों वायर लेता हूँ, एक वायर लेता हूँ ब्लैक वायर मोटर की जो नेगेटिव है, और सोलेनॉइड वाल्व की जो वाइट वायर जो उसकी नेगेटिव वायर है। ये दोनों डिवाइसेस मेरे 24 वोल्ट DC पे काम करते हैं। मैंने क्या किया, इनका नेगेटिव आपस में शॉर्ट कर दिया, और अब मैं इनको नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, A2 का जो पॉइंट है जहाँ पे सारी सप्लाई की नेगेटिव आ रही थी, वहीं पे दोनों को मिला के आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो क्या होता है, यहाँ पे मेरी मोटर और सोलेनॉइड वाल्व का नेगेटिव को नेगेटिव मिल जाता है सप्लाई से। अब मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा वायर लूँगा और उसको कनेक्ट करूँगा 15 नंबर पिन के साथ, और कनेक्ट करूँगा सप्लाई की पॉजिटिव के साथ। सप्लाई का पॉजिटिव मेरा A1 पे कनेक्टेड था, तो मैं 15 नंबर से एक वायर लगाऊँगा और उसको A1 पे जाके आपस में कनेक्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्शन ऑलमोस्ट कर ही दिए हैं। अब इससे होगा क्या, पूरे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, और टाइमर को अब सेट करना सिखा देता हूँ। अब टाइमर को सेट करने के लिए सेट और एडजस्ट बटन को दोनों को साथ में दबाऊंगा 3 सेकेंड्स के लिए, जिससे वो फंक्शन मोड में एंटर हो सके। फंक्शन मोड में एंटर होने के बाद मेरे को F अल्फ़ाबेट पे सेट करना है। F अल्फ़ाबेट स्टैंड फॉर इंटरवल टाइमर, और मेरे को इंटरवल टाइमर चाहिए अपनी एप्लीकेशन के लिए। F मिलते ही मेरे को सेट बटन को दबा देना है, फिर वो मुझसे सेकेंड्स के लिए पूछता है, और फिर वो उसके बाद 100th, 10th और 1 डिजिट के लिए पूछता है। मैं 5 सेकेंड सेट कर देता हूँ और सेट बटन को दोबारा दबाता हूँ, और फिर दोबारा दबाता हूँ। अब मेरा टाइमर सेट हो चुका है। जैसे ही कोई टारगेट आता है तो टाइमर मेरा 5 सेकेंड के लिए चलता है और फिर ऑटोमेटिकली कट कर देता है। आप इंडिकेशन लाइट्स भी देख सकते हो, जो एक्चुअल में इसके अंदर इनबिल्ट रिले की इंडिकेशन लाइट है। आप देख सकते हो ऑपरेशन कैसे हो रहा है, जैसे हाथ में रखता हूँ उतनी देर जितना भी हम सेट करेंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और आपका सैनिटेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की कुछ चीज़ें कंसेप्चुअली भी समझाऊं और प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाया। आपका बस यही काम है कि पार्ट्स अरेंज करो और उनको कनेक्ट करो, और मेरे सर्किट डायग्राम को चाहे आप रेफर कर सकते हो कनेक्ट करते वक्त। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इजीली समझा सकूं
और कंसेप्चुअली बता सकूं कि मैंने ये चीज या फिर ये कनेक्शन आखिर क्यों की। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर डेफिनेटली करूंगा, जिससे आप लोगों की बस मेरे चैनल के थ्रू हेल्प हो सके। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।